हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। SOL के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए दो अपडेट्स हैं। पहली अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट के हों, दो, तीन या चार, जितने भी सब्जेक्ट के हों। अगर SOL के सेकेंड सेमेस्टर का कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अपने असाइनमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, तो उनको एक लास्ट चांस दिया जा रहा है अपने असाइनमेंट को सबमिट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का लिंक है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू अपलोड योर असाइनमेंट सीट इन PDF इफ नॉट डन सो फॉर लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग 1 सितंबर 2021। यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, तो 1 सितंबर 2021 तक वो अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इस लिंक पे आप जाएंगे तो पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना SOL का रोल नंबर और बारकोड डाल के लॉगिन करके अपने असाइनमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो पहली अपडेट तो उन स्टूडेंट्स के लिए हो गई जिन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो वो 1 सितंबर 2021 तक अपने असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब दूसरा अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जिन्होंने अपने असाइनमेंट्स को अपलोड करने में कोई मिस्टेक करी थी, जैसे गलत असाइनमेंट अपलोड कर दिया था, या फिर असाइनमेंट में जो दो क्वेश्चन था उसमें से एक ही क्वेश्चन अपलोड किया था उन्होंने, या फिर जो असाइनमेंट है उसमें कुछ उनकी मिस्टेक्स थी, जैसे एग्ज़ाम रोल नंबर गलत लिख दिया था, या फिर SOL का रोल नंबर, या फिर कोई और मिस्टेक थी, तो उन स्टूडेंट्स को अपने आंसर्स को री अपलोड करने का ऑप्शन पहले नहीं दिया गया था, लेकिन अब उन स्टूडेंट्स को अपने रॉन्ग आंसर को हटा के जो करेक्ट आंसर है उनको री अपलोड करने का ऑप्शन मिल गया है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लिंक मिल रहा होगा, क्लिक हेयर टू फिल द ग्रीवांस फॉर्म। आपको इस लिंक पर जाना है और आपको ग्रीवांस फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्टूडेंट हु हैव अपलोडेड रॉन्ग आंसर शीट कैन री अपलोड द करेक्ट आंसर शीट इन द फॉलोइंग वे। यानी कि जिस स्टूडेंट ने गलत आंसर शीट अपलोड करी थी वो अपनी सही आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं। और उनको करना क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रीवांस फॉर्म दिया हुआ है, इस ग्रीवांस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसको फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है 31 अगस्त 2021 है, यानी 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद 1 सितंबर 2021 को, यानी कि 1/9/2021 को आपको जो आपका अपलोड लिंक है वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अपनी करेक्ट आंसर शीट को अपलोड करने का। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपका SOL रोल नंबर और बारकोड डालना है, और बारकोड डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह से दो ऑप्शन खुल के आएंगे। एक आएगा आपका एग्जाम पेपर कोड, इसका मतलब क्या है, जिस भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपको दोबारा री अपलोड करने हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एनवायरमेंटल साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे रीज़न, यानी कि किस रीज़न की वजह से आप अपने आंसर को दोबारा अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे तीन रीज़न है, आंसर शीट कुड नॉट बी अपलोडेड, यानी कि पहले अपलोड नहीं कर पाए थे, या फिर रॉन्ग आंसर शीट अपलोडेड, गलत आंसर शीट अपलोड कर दी थी, या फिर पार्सली अपलोडेड। तो तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट करें। और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप अपने सब्जेक्ट्स जो हैं ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले से बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स को री अपलोड करना है, तो यहाँ पे ऐड के बटन पे जाने के बाद आपको दोबारा से फिर सेकंड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। जितने भी सब्जेक्ट्स को आपको री अपलोड करना है उन सारे सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया फिर आपने फाइनल सबमिट कर दिया फिर आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप पहले से ध्यान रखें, जितने भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स आपको री अपलोड करने हैं सभी के सभी यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। तो ये अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिन्होंने गलत आंसर शीट अपलोड कर दी थी या उनकी असाइनमेंट्स में कोई मिस्टेक थी, तो वो आप ग्रीवांस फॉर्म को फिल करके दोबारा अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं 1 सितंबर 2021 तक। तो जो भी आपके स्टूडेंट हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोई मिस्टेक की थी, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बींग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।